सिक्योरिटी की बात करें तो भाई साहब यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरे जो है वो चोरी हो रहे हैं। हालत देख लो, जिंदगी में पहली दफा सुन रहा है कि भाई साहब लाइटें जो है सिक्योरिटी कैमरे को क्या करना है भाई साहब, 8,000 की पुलिस की नफरी लगाई है। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, ट्विटर ऑफिशियल्स के वीडियो आप सभी को पसंद आ रहे थे, मैंने सोचा कि उनके हर एक वीडियो पे हम मिक्स रिएक्शन देखेंगे और उनके मजे लेंगे। तो आज का जो उनका टॉपिक है वो है और इन्हें एशिया कप होस्ट करना है। तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान एशिया कप होस्ट करने की ख्वाब देख रहा है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है ऐसा लग रहा है, क्योंकि इंडिया भी वहाँ पे जाने से मना कर रहा है और पाकिस्तान वेन्यू शिफ्ट करने को नहीं मान रहा था। वहाँ उनके यहाँ अभी तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है और बिजली नहीं है, तो फिर भी ये एशिया कप होस्ट करने के सपने देख रहा है। तो देखते हैं आज का मिक्स रिएक्शन और मजे लेते हैं ट्विटर ऑफिशियल्स के वीडियो से। पाकिस्तान को चीन की तरक्कियाती बैंक की तरफ से 70 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए हैं। और जैसे ही पोर्टो को चीन से भीख मिली, वो देख। कहाँ से है पैसे? मुझे नहीं मालूम कहाँ से। मालूम नहीं तेरे को? और उधर चीन जिसने कुछ दिनों पहले पाकिस्तान को 700 मिलियन डॉलर दिए थे, वो रोकड़ा आया नहीं कि अयाशी शुरू। भाई लोग इंपोर्टियों का सही है, दुनिया भर से भीख मांगते फिर रहे हैं, आवाम को देने के लिए आटा तक नहीं है, पूरा मुल्क कंगाली के दौर से गुजर रहा है, लेकिन PSL की नौटंकी। अलग अलग किस्म की हमने ओपनिंग सेरेमनी देखी, कभी पैराशूटर्स जो है वो झंडे लेके ग्राउंड में उतर रहे हैं, तो कभी पहला मैच है उसके लिए बॉल जो है वो स्पेशली हेलीकॉप्टर से कूदा जा रहा है। और इस बार की PSL ओपनिंग सेरेमनी में क्या स्पेशल था? पटाखे बर्बाद। मतलब बंदों ने PSL का जश्न मनाने के चक्कर में स्टेडियम की लाइटें ही फूंक डाली, वो लाइटें जिनको लगाने के पहले ही लाले पड़े हुए थे। किसी भी लाइट खरीद दे ताकि हर मर्तबा ये रेंट पे पंजाब गवर्नमेंट को जो लेना पड़ता है ये मामला ही खत्म हो जाए। बंदों की लाइटों का खर्चा उठाने की औकात नहीं, रेंट पर लाइटें ले लेकर काम चला रहे हैं। लेकिन बकचोदी, ये हमारा ब्रांड है और इतना बड़ा ब्रांड बन चुका हुआ है। इधर आपके हमसाये में IPL होता है और ये IPL से बड़ा ब्रांड इसको कहते हैं लोग। अच्छा, और वो लोग कौन हैं जो PSL को IPL से बड़ा ब्रांड कहते हैं? ये खुद पोर्की, बाकी तो दुनिया जानती है कि एक प्लेट बिरयानी में खिलाड़ी कहाँ बिक जाते हैं। सारी दुनिया में ये पाकिस्तान में हो सकता है, ये बड़ी अच्छी बात कही है। भाई लोग, जब जब पाकिस्तान में क्रिकेट मैच होता है, पोर्कियों का सबसे तगड़ा मसला रहता है सिक्योरिटी का। जितना हल्ला पोर्की क्रिकेट मैच का नहीं मचाते, जितना हल्ला सिक्योरिटी का काट कर रखते हैं। PSL 8 के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम, सिक्योरिटी के लिए 8,000 पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात। और उधर पाकिस्तानी सिक्योरिटी की हालत, लाहौर कजाफी स्टेडियम से लाखों रुपए मालियत के कैमरे चोरी हो गए। लेकिन ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बीच कैमरा चोरी का सिलसिला यही नहीं थमता। कैमरे के साथ साथ स्टेडियम से चोर और क्या ले गए, जिससे लाइट जलती है और जनरेटर की बैटरी चोरी हो गई, तारे चोरी करके ले गए। और भाई इनकी ये हालत तब है जब PSL की सिक्योरिटी के लिए 8,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात की गई है, वो पुलिस फोर्स जो अपने थानों को खुद नहीं बचा पा रही। कराची के थाने से करोड़ों की चोरी, 2,07,75,000 चोरी हुए। और तो जो पाकिस्तानी पुलिस खिलाड़ियों की सिक्योरिटी में लगाई गई है, उनके खुद के पुलिस स्टेशनों की हालत, कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर दहशतगर्दी का हमला, मर्दान में पुलिस थाने के गेट पर धमाके से एक पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए हैं। मतलब पुलिस थानों पर हमले हो रहे हैं, चोर स्टेडियम से कैमरा लाइट बैटरी चुरा कर ले जा रहे हैं। जिस पुलिस को PSL की सिक्योरिटी में लगाया गया है, उसे खुद सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पोलियो का कहना है पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत जबरदस्त है। तूने मेरे को ये ना समझाई क्या? और भाई हैरानी तो इस बात की होती है कि इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी होने के बावजूद भी पोलियो का भारतीयों से पूछना रह जाता है कि होम मिनिस्ट्री जो है वही फैसला करेगी कि भारतीय टीम पाकिस्तान के मैदान में आकर खेलेगी या नहीं। और एक ये भी अहम बात कही गई है कि जो इंडिया के प्लेयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी बड़ी अहम है हमारे लिए। ये बात कह के क्या कहना चाह रहे हैं? बहन ये कहना चाह रहे हैं कि तुमसे अपने कैमरा बैटरी लाइट सिक्योर नहीं हो रहे, हमारे प्लेयर्स क्या सिक्योर करोगे? अब बोल,
अब बोल भाई, जो हाल पाकिस्तानी सिक्योरिटी का है वही हाल है इनकी कंगाली का भी। बंदों को एक तरफ PSL होस्ट भी कराना है और दूसरी तरफ बंदों की हालत। सिक्योरिटी, लाइट और खाने पीने की मद में पंजाब हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए मांगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 5 करोड़ रुपए दे और 45 करोड़ रुपए फ्रेंचाइजेज दे, जो फ्रेंचाइजेज ने इनकार कर दिया। मतलब बंदों के पास विदेशी खिलाड़ियों को देने के लिए सिक्योरिटी समेत खाने पीने की चीजों तक के पैसे नहीं, स्टेडियम में लाइट लगाने के लाले पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि आवाम तक कंगाली की वजह से PSL के टिकट ना खरीद कर फर्जी टिकटों से मैच देखने जा रही है। मुल्तान में PSL 8 की जाली टिकट्स फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई हुई है और जाली टिकट्स फरोख्त करने वाले 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन मुल्क की इस हालत के बाद भी बंदों को PSL कराना है, जबकि क्या PCB क्या सरकार दोनों ही कंगाली के उस दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ PCB कहता फिर रहा है खर्चा सरकार उठाएगी और वही दूसरी तरफ सरकार का कहना है पंजाब गवर्नमेंट का तकरीबन 60 करोड़ रुपया लाइट्स पे और बाकी खर्चों पे लगा था। हम इंटरिम गवर्नमेंट है जो हमें अभी तक उन्होंने कहा जी आप ये पैसे खर्च नहीं कर सकते, ना ये काबीना तैयार हो रही है खर्च करने के लिए। भाई खिलाड़ियों की सिक्योरिटी, लाइट, खाने पीने की चीजों पर हो रहे खर्चे को लेकर सरकार PCB से और PCB सरकार से यही कहती फिर रही है पहले तू दे, लेकिन कोई पैसा देने को तैयार नहीं। और अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है, PCB ने डिसाइड किया है यूनिलैटरली कि हम जो है वो मैचेस को सस्पेंड कर देंगे और हम दुबई ले जाएंगे या हम अमेरिका ले जाएंगे। भाई PSL ढंग से शुरू भी नहीं हुआ था कि लाहौर में PSL के मैचेस खतरे में पड़ गए हैं। और जब पाकिस्तानी सरकार और PCB ने देखा कि पूरी दुनिया में PSL के ड्रामे को लेकर बेइज्जती हो रही है तो दोनों ने मिलकर डिसाइड किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पंजाब के दरमियान मामला तय हो गए हैं, लाइटिंग का खर्चा दोनों मिलकर शेयर करेंगे। भाई ये तो इन पोरियों की हालत है, बंदों को पाकिस्तान में PSL कराने के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन ख्वाब एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा। A few moments later, भारत ने एशिया क्रिकेट कप 2023 के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। भाई आखिर कोई पाकिस्तान जाना भी क्यों चाहेगा जहाँ कदम कदम पर खतरा हो। खतरा मतलब जानलेवा खतरा। लेकिन मोदी अपने मुल्क की हालत नहीं देखेंगे बल्कि उल्टा हिंदुस्तान के लिए कहेंगे। हिंदुस्तान किसी सूरत पाकिस्तान को तरक्की करता कामयाब होता नहीं देख सकता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, क्या कहे इन पाकिस्तानियों का, तो इनके खाने के लाले पड़े हुए है और ये PSL और एशिया कप होस्ट करने की बात करते हैं, सेलिब्रेशन के नाम पे लाइट ही जला रही है। इन लोगों को इतनी भी अकल नहीं है कि अगर आप फायरवर्क्स कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है या कहाँ से फटाके फोड़ने वो भी उनको नहीं पता। लाइट ही जला दी सेलिब्रेशन के चक्कर में और हेलीकॉप्टर से बॉल डाल रहे थे या ऐसे कुछ पागलपंती कर रहे। पैसे तो इनके पास है नहीं, वो तो इतने सारे मुल्क से भीख मांग मांग के अपना देश चला रहे हैं, लेकिन PSL का ग्रैंड ओपनिंग बहुत ही जबरदस्त करना चाहते हैं पैसे दूसरे से मांग के। और वहाँ के पंजाब सरकार या PCB और फ्रेंचाइजी लग रही है कि उन लाइट का खर्चा कौन लेगा। उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो लाइट खुद खरीदे और मैच खिलाए, तो फिर एशिया कप ये लोग कैसे होस्ट करेंगे। और ये अच्छी बात है कि हम इंडिया वाले नहीं जा रहे हैं, जाना भी नहीं चाहिए। उन लोगों की अपनी सिक्योरिटी तो वो देख नहीं सकते, 8000 पुलिस का फोर्स है PSL की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वहाँ से कैमरे चोरी हो जाते हैं, थाने से चोरी होती है, तो फिर ये हमारे प्लेयर्स की क्या सुरक्षा करेंगे। और हमारे प्लेयर्स हमारे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शायद पाकिस्तान के लिए उनके प्लेयर्स नहीं होंगे लेकिन हमारे लिए तो हमारे प्लेयर्स इम्पोर्टेंट है। और वो एक भाई साहब कह रहे थे कि IPL से PSL ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो पता नहीं कौन सा वाला फूकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही ख्वाब देखते रहते हैं और अपनी आवाम को चूरन देते रहते हैं। शायद हमारी एक टीम का जो बजट होगा उससे तो पूरी PSL की सीरीज चल जाएगी, क्योंकि वो 50 करोड़ के लिए भीख मांग रहे हैं सरकार से या दूसरे PCB या ऐसे, तो फिर वो क्या एशिया कप भी होस्ट करेंगे। तो आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत।